हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका संडे की आर्ट क्लास में। जैसे कि हम जानते हैं कि राखी का त्यौहार आने ही वाला है, तो उसके लिए तैयारियां बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम बनाने जा रहे हैं राखी। इस तरह से हमारी जो राखी है वो बन के तैयार होगी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फोम शीट का। राखी का साइज़ हम अपनी चॉइस से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेड और पेंसिल की हेल्प से हम यहाँ पे टू सर्कल्स को मार्क कर लेंगे और सीजर की हेल्प से हम इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों ही सर्कुलर कटिंग्स को कट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस तरह के रेडीमेड स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो इस तरह से ग्लिटर शीट में से सर्कुलर कटिंग निकाल कर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू का यूज़ करते हुए इस रेडीमेड स्टोन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम इस तरह के ओवल शेप स्टोन्स का यूज़ करेंगे और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ग्लू का यूज़ करते हुए इनको हम फिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमने सभी स्टोन्स को फिक्स कर लिया है। इस स्टेप में हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि हमारे जो स्टोन्स हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह का रिबन यूज़ कर लेंगे। दूसरे सर्कल के ऊपर ग्लू का यूज़ करते हुए इस रिबन को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस फ्रंट पोर्शन को हम इस बैक पोर्शन के ऊपर इस तरह से रखते हुए फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारी होममेड राखी बनके रेडी है और इसके बैक साइड में भी फोम शीट है। पहनने में भी बहुत सॉफ्ट रहेगी और आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान है। सेम स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम इस तरह की राखियाँ भी बना सकते हैं जिसमें हम स्टार शेप, लॉइन का फेस या फिर स्माइली की डिफरेंट फेसेस जो हैं वो बना सकते हैं, जो कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही पसंद करते हैं। आई होप आपको ये राखियाँ अच्छी लगी होंगी। आप ज़रूर अपने छोटे बच्चों के साथ इनको ट्राई करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।